ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य है अशोका सिटी का। ये शानदार पार्क आप देख सकते हैं। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचते हैं। इस समय भी मॉर्निंग वॉक पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये देखिए ओपन जिम है, जहाँ सुबह सुबह लोग अपना शरीर को खोलते हैं और उसके बाद वाणी को खोलते हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है अशोका सिटी का। अशोका सिटी ये पनप नहीं पाई है, लेकिन हाँ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पनप अभी तक इसलिए नहीं पाई है, आप देख सकते हैं खाली नहीं पन पाई ना। पानी खारी कुछ ना। हाँ जी, मैं पॉलिटिकल बात करने आया हूँ, अशोका सिटी के बारे में बात करने आया। ये लो। हाँ जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे? इस समय चुनाव चरम सीमा पर पहुंचने वाला है, चुनाव आ रहे हैं, किसकी नैया पार रहेगी? पलवल से 100% करण पार है, 70% ठाकुर करण के संग हैं, और 5-8 वाले ठाकुरों के पलवल में हैं। देहात का भी लगाओ, कहीं का भी समीकरण लगा के देख लो, जो बिरादरी का काम होता है, छोटी बिरादरी भाई हैं उनके संग रहते हैं। यहाँ के 8 मोहल्ले के, हमारी जो 3600 बरादरी है, ठाकुरों के संग है, और ठाकुर 70% करण दलाल के संग है। आप तो दावा कर रहे हो ठाकुर छत्री समाज करण दलाल के साथ है। हरिंदर पाल सिंह राणा वही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी। ऐसा है, सब अपने अपने जो है ना दावा करते हैं, पर सच्चाई जो है, जो मैं बतला रहा हूँ वो सच्चाई है। इसने, बीजेपी वालों ने इनको पलवल को बर्बाद कर दिया है, पलवल को लूट के खा गए। रास्ता तक जो है ना भूमाफिया है, मंगला के साथ भूमाफिया ने रास्ते तक के बेच के खा गए। टिकट तो गौरव गौतम को मिल रही है। गौरव गौतम को मिलो या किसी को मिलो, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हमारी ना गौरव गौतम से लड़ाई है, ना हमारी हरिंदर पाल है ही हमारा, हरिंदर पाल है ही हमारा, परंतु बात जो चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है, और हम कांग्रेस के साथ हैं। पलवल के 70%, पलवल कॉन्स्टिट्यूंसी के 70% ठाकुर करण के साथ हैं, 90% गुजर करण के साथ हैं, 90% गुजर करण के साथ हैं। और भैया ये समझ के चलो, हर आदमी अपना अपना दावा तो करता ही है, कोई उसको अब यहाँ लगा के चलो कि 7 कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो 7 ये कह रहे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जबकि जीतेगा एक ही है। हर वोटर हर अपने आप को कहते हैं ये वोट मेरी, ये वोट मेरी, ये वोट, अगर उसे पूछे तो वो किसी को बता के देगा ना, पर 100% करण जीत गया। लेकिन अगर गौरव गौतम को टिकट मिलती है तो यूथ एकदम से टूट के पड़ेगा गौरव गौतम। अब ऐसा है, एक वो बाद की बात है, मिल गया तो और ना मिला तो मैं गौरव गौतम के खिलाफ बेचारे के मैं क्यों कहूँ, पर जब कुछ है ही नहीं गौरव गौतम, अभी मिला ही नहीं कुछ, मिलने के बाद पता चलेगा क्या है गौरव गौतम। मान लो टिकट मिल गया तो, मान लो टिकट मिल गया तो जब गौरव गौतम, जब भी हम बताएंगे, मानने तो काम ना चल रहा, मानने तो पलवल भर रहा, डॉक्टर फजल सिंह सबसे बड़ा कहेंगे यहाँ का पलवल का, मैं बन रहा हूँ डॉन लगा लो, कहेंग लगा लो, डॉन का कोई कमजोर हो, डाकू लगाओ, कुछ भी लगाओ मेरे को, मोदी को, नरेंद्र मोदी को रोज की 2 थैला भर के गाली इनके लेके जाए, रोज की 200-400 गाली वहाँ मिले, 1-2 किलो गाली मिले। अब मेरे को भी कोई गाली देता रहो, मेरे को शान बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, तभी तो मेरे को गाली देता है कोई। और जब वो जीरो है पहले ही बेचारेगा, या मान के चलो 5-3 गांव गुजर, 2-3 गांव ठाकुरों के, पृथ्वीराज कॉन्स्टिट्यूंसी और पलवल कौनसी को मिलाता है जो रास्ता, दीपक मंगला बेच के खा गया उसको है, भूमाफिया पाल रखे हैं, दीपक मंगला बेच के खाने का मतलब ये हो गया कि खुद तो कोई दस्तखत करे ही ना आए, वाके करे हैं दस्तखत पिट्ठू, और पलवल में छोड़ रखे कोरो दलाल, कमेटी खा रहे हैं, वाह खा रहे हैं, वाह खा रहे हैं, ये हाल बिता रखा है। क्या नाम है आपका जी? हाँ जी, मैं करण अत्री, अत्री प्रॉपर्टी से। चुनाव आ गए हैं, 1 अक्टूबर को मतदान है, आप लोगों ने क्या माइंड मेकअप कर रखा है? देखो हम तो सरकार के साथ रहते हैं जी, बाकी इस बार बड़ी कॉमन सी टक्कर है हर विधानसभा सीट पे ही। हाँ जी, किस लिए टक्कर है भाई? टक्कर ये है कि 10 साल हो गए सरकार को भी बीजेपी की, तो थोड़ा बहुत तो काम किसी के हुए हैं, किसी के नहीं हुए हैं, तो लोग बाग नाराज हो ही जाते हैं। मुख्य तौर पर मुकाबला किस किस का है पार्टी का? पार्टी तो कांग्रेस और बीजेपी।
मान लो कांग्रेस से करण सिंह दलाल और बीजेपी से दीपक मंगला या गौरव गौतम जानने कोई क्या रहेगा? देखो जी, टक्कर तो दलाल और मंगला की रहेगी। अगर टिकट मंगला की कटती है तो? कटती है तो फिर थोड़ा मुकाबला हल्का रह जाएगा। अगर गौरव गौतम को टिकट मिलती है तो? देखो, गौरव गौतम तो अभी नया लड़का, उसकी पता चलेगी कैसा इलेक्शन लड़ता है। नहीं, गौरव गौतम हो और करण दलाल हो आमने सामने तो किसकी टक्कर रहेगी? देखो, फिलहाल आज की डेट में तो दलाल ही हैवी है।